मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में एमपी का उन्होंने विकास कार्ड पेश किया। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन किया। इस रिपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान ने तैयार किया है। तो कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और एमपी के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि बिजली उत्पादन में एमपी आगे रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो भी एमपी की बिजली से चलती है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में भी आज नंबर वन है। तो विशेषज्ञों ने बनाया विकास का लेखा जोखा और ये कार्यक्रम में आज उन्होंने विकास रिपोर्ट कार्ड पेश किया। और प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी सबसे गुणवत्तापूर्ण काम अगर किया है तो मध्य प्रदेश ने किया है, और उसमें रोड कम पड़ गया तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बना दी। सड़कों का जाल, बिजली की उपलब्धता केवल 5000 मेगावाट के आसपास हुआ करती थी, आज 21050 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास उपलब्ध है। जितेंद्र सिंह जी, दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। आज गेहूं के प्रोक्योरमेंट में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया, और मध्य प्रदेश का गेहूं भी गोल्डन ग्रेन, आजकल हम ये नहीं कह रहे कि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें गेहूं एक्सपोर्ट करके मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में स्थान बना ले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी आशीर्वाद से लेकर जितने आटे ना सोने जैसे दाने, वो सब दाने मध्य प्रदेश के ही हैं। एमपी वीट, कई बार दूसरे राज्यों से भी एमपी वीट के नाम से ही बेचते हैं। और एक और राज की बात आपको बताऊं कि जितना बासमती राइस कनाडा और अमेरिका जाता है, कई बार सील दूसरे राज्य लगाते हैं लेकिन सप्लाई मध्य प्रदेश से होता है। हमने रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया है, और अभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं अपने सांसद मित्रों को भी बताना चाहता हूं, अभी अभी हमने 26000 करोड़ की नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की है, 65 लाख हेक्टर तक ले जाना है।